25 जून है बाबा। 25 जून को याद करके देखने दो बाबा, थोड़ा हम सब सीहर उठते हैं। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया था और वो संविधान को पूरी तरह से धूल धूसरित करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया था। देश आज भी उस समय की घटनाओं को याद करके सिहर उठता था। आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, उनके नाखून भी प्लास से खींच लिए गए थे और पूरी तरह से कानून व्यवस्था को, नागरिक अधिकारों को ध्वस्त करने का काम किया गया था, प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा दिया गया था। हम आज सब ऐसे दिवस को काले दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। इस बात के तरह तरह के आपको गांव में प्रमाण मिल जाएंगे, शहरों में प्रमाण मिल जाएंगे। उस समय के लोकतंत्र सेनानी आज भी उस समय की बातों को याद करके अपना दुख लगातार। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार अघोषित आपातकाल। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। ये सब रंगे सियार है और आने वाले राहुल गांधी संविधान की डायरी लेकर टहल रहे हैं। आप इंतजार करिए, राहुल गांधी संविधान की डायरी लेकर ये सब लेके केवल गुमराह करते हैं और जनता सच्चाई अच्छी तरह बताएगी इनको समय आने पर।